What a beautiful start. देखो जी, मैं तो यही कहूंगी कि माना अपना फ्यूचर हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी आदतें तो जरूर बदल सकते हैं, और डेफिनेटली आपकी अच्छी आदतें आपका फ्यूचर बदल भी सकती हैं, सवार भी सकती हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखो, अच्छी आदत आपको बेहतर फ्यूचर और कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छी आदतें अपनाएं। एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, कभी से कहीं से भी मतलब शुरुआत की जा सकती है। वेल, विद दिस ब्यूटीफुल कोट, इट्स मी नाज़िया ऑन शो #filmy ऑन FM 107 दिल से देसी। और क्या हाल चाल है आप सभी के 666-22-107 पर अपना हाल चाल मुझे बताइए, और अभी के लिए मैं बढ़ जाती हूँ। जाते हैं आंखों में, एंजॉय दिस जबरदस्त ट्रैक ऑन #filmy विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। तो कि आप थक चुके हैं और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे, तो अल्लाह सुभान व तआला के सामने सिर्फ हाथ फैला लिया करें। हमारे पहले हाथ इस बात का सबूत हैं कि हम सब रब्बे कायनात के मोहताज हैं, और हमारा रब तो दिलों का हाल जानता है और वो खामोशियों को भी सुन लेता है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम और रहमत का साया आप पर हमेशा कायम रखे। पैगाम ऑन FM 107। On the vocals with गोलमाल, और देखा जाए तो रोहित शेट्टी एक बार फिर से है तैयार गोलमाल करने के लिए। चलिए करते हैं पूरी बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, डेंका चिका डेंका चिका। आओ 10:29 on the clock. Welcome back, guys. आप सुन रहे शो #filmy है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो देखा जाए रोहित शेट्टी जी गोलमाल सीरीज की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है, और सुनने में आ रहा है कि इस साल के एंड तक गोलमाल ये यानी जो फिल्म आ रही है उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो एक बार फिर से गोलमाल देखने के लिए हो जाओ तैयार। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड के कई आर्टिस्ट हैं डिजिटल वर्ल्ड में कदम रख चुके हैं, और में रितेश देशमुख का नाम भी जुड़ने जा रहा है, जो जल्द ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म Plan A Plan B से डेब्यू करने वाले हैं। वेल, देखा जाए तो इस मूवी में रितेश के साथ तमन्ना भाटिया होंगी, और दोनों आर्टिस्ट ने कल ही सोशल मीडिया पर इस मूवी के सेट से ना पिक्चर्स शेयर की। वहीं सुनने में आ रहा है कि पूनम ढिल्लो भी हैं, और उनके रोल को फिलहाल उनके रोल किस तरह का रोल है उसको खास उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। सुना जा रहा है काफी डिफरेंट और एक्साइटिंग रोल करने वाली है वो इस मूवी में। देखा जाए तो रजत अरोरा जी की स्टोरी है, और इसे डायरेक्ट किया है त्रिलोक मल्होत्रा जी ने। और बहुत सारी चीजें अभी रिवील नहीं की गई हैं, जैसे कि कॉमेडी तो है ही, लेकिन हाँ कुछ सस्पेंस भी है इस मूवी में। तो फिलहाल उसका इंतजार है हमें। वहीं मैं आपको बताऊं कि इंतजार खत्म हुआ सैफ अली खान के बर्थडे के मौके पर भूत पुलिस का पोस्टर जो था वो कल रिलीज हो गया, और इस फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर जो है वो 18 अगस्त यानी कल रिलीज होगा। तो देखा जाए इस पोस्टर के साथ अर्जुन जी ने लिखा है कि बजाएंगे भूत का बैंड जब आएंगे विभूति और चिरंजी, यानी ये दो कैरेक्टर हैं, ये तो साफ हो गया है। वेल, इस मूवी को जो है ना, इस मूवी का बहुत सारे लोगों को इंतजार भी है, और मैं आपको बताऊं कि मूवी जो है सितंबर 17 को रिलीज होगी। फिलहाल क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो इंतजार ही कीजिए। 107 दिल से देसी, 10:42 ऑन द क्लॉक। और देखा जाए तो एक सब्जेक्ट हिट हुआ नहीं कि सारे के सारे लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। चलिए करते हैं पूरी बात इन सेगमेंट टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। किनरे तू दोंदे एस्टा हे रिमूवीडो सीलो एंड टेरा एंड नो टे एनकोंट्रे। हाँ जी, तो बॉलीवुड की हिस्ट्री में शायद पहली बार एक ही वीक में दो वॉर फिल्म्स शेरशाह और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया रिलीज हुई। अभी और 4-5 वॉर फिल्म्स जो है ना वो पाइपलाइन में है। तो इस तरह एक तरफ जो वॉर फिल्म्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत की वॉर फिल्मों में कल्ट क्लासिक का दर्जा पा चुकी हकीकत का कलर वर्जन सालों से रिलीज के इंतजार में है, और अब सुनने में आया है कि फिल्म को नए सिरे से रिलीज करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म भी ढूंढा जा रहा है। वेल, देखा जाए तो इस मूवी की खास बात यह है, क्योंकि आमतौर पर वॉर फिल्म्स जो है ना वो वॉर में जीत पर बनाई जाती हैं, लेकिन हकीकत को 1962 के इंडिया चाइना वॉर में जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी कुर्बानी उनके सेक्रीफाइस को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। वेल, सालों बाद जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर चेतन आनंद ने ख्वाहिश जाहिर की थी, और उसके बाद इस मूवी पर काम शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये मूवी जो है ना बहुत जल्द, जैसे मुगले आजम को कलर किया गया इसी तरह से इस मूवी को भी किया जा रहा है, और इसे जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी किया जाएगा। और साथ ही जो गाना है कर चले हम फिदा,
जानो तन साथियों, तो इस गाने को वापस से नई आवाज में रिकॉर्ड किया जा रहा है नए साउंड इफेक्ट्स के साथ। कल देखा जाए तो गोलियों की आवाज भी अब पुराने जमाने जैसी नहीं होंगी, इनमें भी तब्दीली लाई गई है। फिल्म का बैकग्राउंड और म्यूजिक, थीम म्यूजिक ये भी चेंज किया जा रहा है। कल देखा जाएगा कि कितनी और ज्यादा ये फिल्म जो है वो अच्छी लगने वाली है। लेकिन हाँ, अभी के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक इंतजार जो नहीं करना पड़ेगा वो है पे दिल से देसी 1054 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की। जी हाँ, कतर ने कतर विंस द मेन डबल गोल्ड इन अरब टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो कि जबरदस्ती बात है। इसी के साथ आपको बताऊं कि कतर की तैयारियां जो है वो जोरों पर है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ फॉर्मेशन स्काई डाइविंग के मद्देनजर मेंबर्स ने कल पैराशूट जंपिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट किया। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने रिपोर्ट किए हैं कल 260 नए कोविड केसेस और 146 रिकवरीज। इसके अलावा आपको बताऊं कि अफगानिस्तान में चल रहे डिस्ट्रेस पर कतर ने फिक्र जाहिर की और अमन से बात सुलझाने पर जोर दिया है। कतर का किरदार हमेशा दोस्ताना रहा है और आगे भी कोशिश रहेगी बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाया जाए। वेल, इसके अलावा क्या करते हो जी? कल 219 लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर बिना मास्क के पाया गया। देखो जी, चिन पे लगाना, ऐसे नोज पे लगाना, ऐसे हाथ पर लेकर घूमना, ये प्रॉपर लगाना नहीं है। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई लगा के ना हमको सफोकेट हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, ऑल दैट। तो ऐसे में क्या करना है कि भाई घर रहो, ठीक है, निकलो ही नहीं घर पे, रहो आराम से, बैठो, गाने सुनो, इंजॉय करो, हमारे प्रोग्राम्स को इंजॉय करो। और अगर निकलते हैं तो प्रॉपर मास्क लगाना जरूरी है, और खास करके अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर निकल रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट के सही तरीके से मास्क आपका लगा हो, बिकॉज स्टिल वी आर नॉट डन विद दिस। हाँ, जब भी कोई लड़की देखे यू वाव, अक्षर से शुरू वाव। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्म ये नाज़े के साथ एफएम 107 पे दिल से देसी। और अब हम बढ़ जाते हैं झटपट से अपने सेगमेंट की तरफ, आखिर से शुरू। तो देखा जाए आखिर से शुरू में आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसी मूवी भी की जिसमें हथियारों यानी वेपन्स का कारोबार होता है, जिससे अमीर तो बना जा सकता है लेकिन इस व्यापार के दलदल में एक बार घुस गए तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ एक ही अंजाम होता है और वो है मौत। कुछ ऐसा ही होता है एक मशहूर पाकिस्तानी गजल सिंगर गुलफाम हसन जी के साथ भी, जो कि एंड में जब रंगे हाथों हथियारों की तस्करी करते पकड़े जाते हैं तो वो ह्यूमिलेशन और गिल्ट के चलते खुदकुशी कर लेते हैं। वहीं मूवी शुरू होती है वीरन के चैप्टर के साथ, जहां मुंबई से स्पेशल क्राइम टास्क फोर्स डिप्यूट की जाती है इस आर्म ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश करने के लिए। बाला ठाकुर एक अहम कड़ी, इसी को जोड़ती हुई स्पेशल क्राइम टास्क फोर्स बाला के घर पहुंचती है और तोड़फोड़ के बाद बाला की एक फोटो ले जाती है और साथ ही ये भी कहती है कि अब बचना मुश्किल है क्योंकि इस मिशन पर खुद ACP राठौर जी लगे हुए हैं। फिर राठौर जी को एक गजल प्रोग्राम का इनविटेशन आता है। ये मशहूर सिंगर गजल सिंगर गुलफाम हसन जी का इवेंट है। ACP राठौर जी इस कॉन्सर्ट में जाते हैं क्योंकि वो गुलफाम जी के बहुत बड़े फैन हैं। वहीं गुलफाम जी कहते हैं कि मेरे दोनों मुल्क से रिश्ते उतने ही गहरे हैं जितने माँ का अपने बच्चे से प्यार, क्योंकि ये रिश्ता प्यार, जज्बात और एहसास का है। तो फिल्म में हथियारों की तस्करी में बड़े आर्टिस्ट और पॉलिटिशियंस के नाम भी हैं। नाम छुपाने बचाने से लेकर एक्सपोज करने तक की पूरी कहानी मार धार से भरी है। वेल, अगर आपको समझ में आ गई कि स्टोरी है कौन सी, किस मूवी की, तो 666-222-107 इज द नंबर। और अभी के लिए आई है जबरदस्त ट्रैक अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज में मखना। शो हैशटैग फिल्मी है नाज़े के साथ एफएम 107 पे दिल से देसी 11:32 ऑन द क्लॉक। और अब वक्त हो गया झटपट से आप लोगों के मैसेजेस जो है ना वो शामिल कर लेते हैं। तो आफ्ताब शाहिद जी हैप्पी वाला ट्यूसडे कह रहे, गुड वेली मॉर्निंग कह रहे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। और जितने भी सॉन्ग्स हैं उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू आफ्ताब जी, थैंक यू सो वेरी मच। साथ ही हमें मैसेज किया है यूसुफ खान जी ने, सलाम कहते हो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। वहीं यासीन जी कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वाली मॉर्निंग आपको भी। रखपाल सिंह
मैम गाने बहुत अच्छे हैं, वो प्लेलिस्ट एंजॉय करें, खास करके एक सॉन्ग जो रिक्वेस्ट थी मुमताज जी की, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच। और मनासर जी ने भी असलाम आदाब, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें लिखी और साथ ही अपनी प्यारी सी बेटी की पिक्चर भी हमारे साथ शेयर की, माशाल्लाह शी इज टू अडोरेबल, बहुत ही प्यारी पिक्चर है। और इसके अलावा हमें मैसेज किया सैयद खादिम हुसैन जी ने, असलाम आदाब प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे, अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी जिंदगी में आने वाला हर लम्हा गुजरे हुए लम्हे से ज्यादा खूबसूरत हो और अल्लाह ताला हम दोनों भाई बहन के रिश्तों को यूं ही सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेल हमारी भी यही दुआ है, अल्लाह ताला हम दोनों के रिश्ते को यूं ही सलामत रखे। और हमें मैसेज जो है वो नजर आ रहा है अनवर जी का, जो कि प्लेलिस्ट भी एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैसेज किया है ऋषभ जी ने, जिन्होंने कुछ सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग, चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ये मिल जाए, वैसे देखा जाए तो 90s के सॉन्ग्स मैं प्ले कर सकती हूँ और अगर इससे पुराने हैं तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं उन नामों की तरफ जो लोग बिल्कुल सही जवाब देकर तालियों के हकदार बन चुके हैं। हाँ जी, तो वो लोग जिन्होंने सही सही गेस कर लिया है कि मूवी कौन सी है और नाम मुझे भेज दिया है, उनमें नाम है मेहताब आलम जी का, अब्दुल अजीज जी का, शब्बीर जी का, आतिफ इकबाल, अल्ताफ हुसैन जी, आफताब शाहिद जी, शेख नूर जी, अनवर अहमद जी, जावेद अंसारी, आर के थापा जी, सागर हसन रजा जी, मोहम्मद इलियास, रियाज अली, कमलेश यादव, विपिन कुमार, रिहान अब्बास, मिल्कीत सिंह, प्रजेश चौहान, विक्रांत चौधरी, मुइन खान और शहाबुद्दीन। तो मुझे ऐसा लगा था, पता नहीं क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बहुत सारी और मूवी की भी स्टोरी है, मतलब काफी कुछ इससे मिलती जुलती स्टोरी पर और मूवीज भी बनी है, तो शायद लोग गेस ना कर पाए, बट आई एम अमेज्ड गाइस, ब्रिलियंट, मतलब क्या एकदम से सही जवाब। पैगाम, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, गुजरा हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट दोबारा हमारी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। आपस के लड़ाई झगड़ों को अवॉइड कीजिए, गुस्सा हसद और बुग्ध से दूर रहिए, हर किसी के साथ मोहब्बत, प्यार और नर्म लहजे में गुफ्तगू कीजिए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, अल्लाह सुब्हानहु ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। पैगाम ऑन एफएम 107। इसी और दो बातें होंगी अब हमारी लिसनर से। हेलो, वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम बताइए। जावेद अंसारी। जावेद जी, तो मूवी का क्या नाम है जो आपने सही गेस तो कर ली, मुझे तो पता है बट मैं चाहूंगी कि लिसनर्स को पता चले। हाँ जी, सरफ्रोश। ओहो, सॉलिड। अच्छा जी, आप जल्दी में है क्या? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। तो जावेद जी, तो ये मूवी आपने देखी है? जी मैं देखा हूँ, इसमें थोड़ा मेरा फेवरेट एक्टर था ना आमिर खान और सोनाली बिंद्रा भी, इसीलिए। वाओ, मेरी भी फेवरेट आमिर है। अच्छा जी, तो इस मूवी ना, इसमें आमिर का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुन के बताइएगा मुझे। अजय कुमार सिंह राठौर या अजय प्रताप सिंह राठौर? नहीं, वो जो फर्स्ट में बोले वो है, कुमार के साथ। क्या बात है, छा गए आप, बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसमें एक और रोल किया है नसीरुद्दीन शाह जी ने, गजल सिंगर का, गुलफाम हसन जी का। तो गुलफाम जी का ताल्लुक किस मुल्क से होता है, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से? पाकिस्तान से। क्या बात है, सारे सही जवाब, एकदम सीरियसनेस के साथ सही सही जवाब देते बढ़ते रहे जा रहे हैं आगे आप। अच्छा जी, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इस मूवी का? उस मूवी का फेवरेट कैरेक्टर जो है, जो अमीर, जो है आमिर खान, जो अपना एक काम करता है, मतलब जो है खुफिया विभाग से, खुफिया तरीके से पकड़ना, और जो है नसरुद्दीन शाह जो अपना वो काम करते हैं, कहने का मतलब गलत काम करते हैं जो भी हो, और उन्हें पर्दाफाश करना, ये दोनों आपको पसंद है कैरेक्टर्स हैं। हाँ, और जो है सोनाली खुद इससे प्यार करती है आमिर खान से, वो भी अच्छा लगा थोड़ा, वो भी अच्छा लगा। चलिए, एक इसी तरह का अच्छा वाला गाना आपके लिए मैं प्ले कर रही हूँ नेक्स्ट, एंजॉय कीजिए इस मूवी से, एंड थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने के लिए, अपना ख्याल रखिए, बाय, अल्लाह हाफिज। तो भाई, आमिर के प्यार की और सोनाली के प्यार की बात हो और ये गाना ना चले। देसी 12:06 ऑन द क्लॉक और
कर रहे हैं मूवी सरफरोश की, जी हाँ 1999 की एक एक्शन ड्रामा मूवी जिसे जॉन मैथ्यू मैथन ने डायरेक्ट किया था। तो मूवी में आमिर खान थे, नसीरुद्दीन शाह थे, सोनाली बेंद्रे थी, ये तीनों लोग अहम रोल में थे। वहीं जॉन मैथ्यू जी ने ना सरफरोश पर काम करना 1992 से शुरू कर दिया था। कुछ 7 सालों की हैक्टिक रिसर्च और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के बाद कहीं जाकर 1999 में मूवी रिलीज हुई। देखा जाए तो आमिर और नसीरुद्दीन शाह जी की साथ में ये पहली फिल्म थी, ऐसा आप समझते हैं? हाँ ना, जवाब है ना, जस्ट बिकॉज के इन दोनों ने साथ में 1984 में फिल्म होली में भी काम किया था। देखा जाए तो ये मूवी मतलब होली जो थी वो सुपर डुपर फ्लॉप मूवी थी, इसलिए किसी को इसका नाम याद नहीं है। हाँ अलबत्ता नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की ये पहली मूवी थी, एक छोटा सा रोल उन्होंने इस मूवी में किया था। तो हुआ यूं था कि नवाज जी उस दौरान बिल्कुल खाली थे, उन्हें काम वाम मिलता नहीं था, तो सेट पर ऐसे इधर उधर घूमते थे। और जैसा कि नवाज जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो नसीरुद्दीन शाह और आमिर की एक्टिंग के जबरदस्त फैन है, तो भाई उन्हें जैसे ही पता चला कि सरफरोश की जो है वो शूटिंग चल रही है और नसीरुद्दीन शाह जी और आमिर जी वहां मौजूद हैं, तो ये भी पहुंच गए वहां देखने। तो जिस बंदे को छोटा सा रोल करना था वो अपनी बीमारी की वजह से आ नहीं पाया, जिसके बाद मौका मिल गया नवाज जी को। वहां खड़े शूटिंग देख रहे थे, झट से उन्होंने हाथ उठाया और कहा कि मैं कर सकता हूं। तो मैथ्यू जी को लगा पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, तो उनसे कहा गया कि आइए आप थोड़ा सा करके दिखाइए। एक ट्राई रन हुआ जिसमें नवाजुद्दीन जी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि पहले ही टेक में शूट ओके हो गया, जिसके बाद आपको पता है कि नसीरुद्दीन शाह जी खुद उठ के गए, उन्होंने इस बंदे की तारीफ की, हाथ मिला और कहा कि याद रखो एक दिन तुम बहुत बड़े एक्टर बनोगे। और आज नवाजुद्दीन जी का नाम है बॉलीवुड में, हम सभी जानते हैं। वेल ऐसे हुई थी नवाज जी की इस मूवी से शुरुआत। वेल देखा जाए तो आमिर के रोल की ना उनकी 1995 की फिल्म बाजी से रोल को इंस्पायर्ड कहकर मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि जो आमिर का रोल है वो फिल्म बाजी का 1995 के उनका रोल उससे इंस्पायर्ड है, जिस पर मैथ्यू जी को यानी डायरेक्टर जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट से बाकायदा झड़प की। इतना ज्यादा गुस्सा हुए बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए और फिर बाद में किसी तरह से आमिर ने उन्हें संभाला। और अब मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि सरफरोश 2, जी हाँ इसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है, बहुत जल्द सरफरोश 2 आने वाली है। इसकी स्क्रिप्ट पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस मूवी में आमिर एक बार फिर होंगे, नसीर जी भी होंगे और साथ में होंगे जॉन अब्राहम। वेल अब सरफरोश 2 का है इंतजार और होश वालों को हम जी एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। शो जा रही है हैशटैग फिल्मी है ऑन एफएम 107 दिल से देसी 1223 ऑन द क्लॉक। चलिए मौसम की भी बात कर लेते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 41%। इसके साथ वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 40%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 विद मिनिमम 29 एंड ह्यूमिडिटी 49%। वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 विद मिनिमम 29 and humidity here 47%. Well, हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं अपने अगले एक सेगमेंट कैच अ वेव की तरफ जंप करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बताती हूँ और वो बात है कैप्टन पायलट जोया अग्रवाल के हवाले से। जी हाँ कैप्टन पायलट जोया अग्रवाल जो है वो शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशंस। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें जनरेशन इक्वालिटी के तहत सौंपी गई है। वहीं जोया से उनके हिट और फिट होने का राज जब पूछा गया ना तो उन्होंने बताया कि वो एक बैलेंस डाइट के साथ साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड रूटीन अपनाती हैं और हेल्दी रहने के लिए ना 8-8 का फॉर्मूला फॉलो करती हैं। 8-8 यानी 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड 8 आवर्स स्लीप। पर मुझे लगता है ये फॉर्मूला काफी आसान है, बस इसमें कुछ मिनिमम 1 घंटे की एक्सरसाइज भी अगर ऐड कर दी जाए तो भाई हम सभी हिट और फिट हो जाएंगे। चलिए इसी हिट और फिट बात के साथ बढ़ जाते हैं अपने अगले सेगमेंट कैच अ वेव की तरफ। पाऊंगी और सबको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नाम बताऊंगी, गाना कौन सा है वो भी बताऊंगी, लेकिन हाँ उससे पहले नाम बताऊंगी जिन लोगों ने सही सही जवाब दे दिए हैं। तो हमें सही जवाब दिया है साजन बलोच जी ने, अनवर अहमद जी ने, आफ्ताब शाहिद जी ने, अब्दुल अजीज जी ने, मोहम्मद इदरीस जी ने, मोइन खान जी ने, विक्रांत चौधरी जी ने, इन सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं। और सवाल क्या था? तो सवाल ये था भाई, मैंने छोटा सा ये आप लोगों के लिए प्रिल्यूड प्ले किया था
107 इज द व्हाट्सएप नंबर, यहाँ आकर आप जवाब मुझे दे सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ कुछ आपके मैसेजेस शामिल करते हैं। सलाम और #फिल्मी एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम, बोले तो एकदम झक्कास लाजवाब। एफएम की पूरी टीम को और सभी सुनने वालों को प्यार भरा सलाम मुर्तजा खान जी का। वालेकुम अस्सलाम। और ओके, ये कौन है? प्लीज प्लीज कॉल इस पे ना किया करें, क्योंकि क्या होता है मैसेजेस इधर उधर चले जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ हमें मैसेज दिख रहा है अंबर वही जी का, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे। और आज ये शो नहीं सुन सके जस्ट बिकॉज कि आज इनका रोजा था। ओ दैट्स राइट, बिल्कुल सही। और आज मुहर्रम की 9 तारीख है आप बता रही हैं, और इसी वजह से ये कल भी शायद ना सुन सकें, लेकिन ढेरों दुआएं और सभी सुनने वालों को सलाम कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ हमें मैसेज करते हैं अबू अजहर जी, जो कि हमें सुन रहे हैं बहरीन से। आपने सलाम कहा और साथ ही कहा है कि जो सॉन्ग्स हैं वाकई लाजवाब हैं और वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वेल थैंक यू सो मच। और ये हमें मैसेज किया है विक्रांत जी ने भी, और कहते हैं कि आज के जो सॉन्ग्स हैं वो स्पेशली बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, ऐसी बात है, चलो जी फिर अगला भी इंजॉय करते हैं। दिल से देसी 1248 ऑन द क्लॉक, और मैंने ये छोटा सा प्रीव्यू आप लोगों के लिए प्ले किया था और पूछा था कि ये सॉन्ग है कौन सा जी। तो कुछ और सही जवाब भी हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें शेख नूर जी ने सही जवाब दिया है, वहीं हमें मुमताज जी ने सही जवाब दिया है, वहीं ऋषभ जी ने सही जवाब दिया है। तो ये सारे नाम जो है वापस मैं इंक्लूड कर रही हूँ। अच्छा, तो ये सॉन्ग जो है ना वो मूवी मुन्ना माइकल से है, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में बॉलीवुड और इस मूवी से एक्चुअली बॉलीवुड में साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस निधि अग्रवाल जी ने डेब्यू किया था, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे भी है। वेल देखा जाए तो आज शरद सक्सेना और शंकर का भी बर्थडे है। लेकिन हाँ, इस सॉन्ग के हवाले से मैं आपको अगर कुछ बताऊं तो ये मूवी जो थी 2017 में आई थी, और इनके साथ यानी निधि के साथ थे मूवी में टाइगर श्रॉफ जी। तो जब ये सॉन्ग शूट हो रहा था तो निधि को बड़ी प्रॉब्लम हुई। हुआ यूं था कि उन्हें पहले ना हील्स पहनाई गई थी, फिर एक स्टेप कोऑर्डिनेशन के दौरान उनकी एंकल ट्विस्ट हो गई थी, फिर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। और पता है, पूरे एक वीक के रेस्ट के बाद कहीं जाकर निधि वापस सेट्स पर पहुंची, और इस बार डायरेक्टर ने कोई रिस्क नहीं लिया, इनकी हील्स को सीधे फ्लैट से रिप्लेस किया। तो फ्लैट्स पहनकर इन्होंने टाइगर जी के साथ डांस स्टेप किए। वैसे देखा जाए तो टाइगर की जो एक्टिंग है वो तो है ही अल्टीमेट, लेकिन उनके डांस के सभी फैन हैं, इंक्लूडिंग निधि भी। वो कहती हैं कि टाइगर जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट होता है पता नहीं किस जोन में चले जाते हैं, और फिर उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। चलिए मिलकर एंजॉय करते हैं मुन्ना माइकल से अमित मिश्रा और अंतरा मित्रा की आवाज में डिंग डांग। तो मिट ना सकेगा फसाना, और इसी फसाने को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं हमारे साथ आरजे महवेश खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है, और बहुत कुछ होने वाला है, दिल चाहता है मैं वो मैं पूछूंगी तुमसे। लेकिन हाँ, एक चीज छोटी सी जरूर पूछूंगी कि जैसे दुनिया भर में एक तरह का डिस्ट्रेस है, तो ऐसे में तुम्हें क्या लगता है कि आम इंसान की किस तरह की राय होनी चाहिए या किन चीजों को देखकर उसे अपनी राय बना लेनी चाहिए? एग्जैक्टली मेरी इस मामले में ना, मतलब ये मैं कहती हूँ कि आपको किताबें पढ़ने का और अपने इर्द गिर्द से थोड़ा सा बाखबर रहने की बड़ी जरूरत है इस वक्त में। और हर बंदी की कोशिश होनी चाहिए कि जितना अपना जो है ना कैनवस बड़ा कर सकता है वो उसको करे, क्योंकि मीडिया और सारी जो चीजें हैं ना वो आपको, मतलब हो सकता है कि किसी एक जगह पे लेके जा रही हो, लेकिन तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख भी होता है। तो उस दूसरे रुख को जानने के लिए हमें खुद से कोशिश करना पड़ती है। मैं तो यही सबसे कहती हूँ और कहूंगी भी कि प्लीज, मतलब तस्वीर का सिर्फ एक रुख ना देखा करें, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। और उसके लिए जाहिर सी बात है, आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, और उसमें भी ये किसी एक के ऊपर कि इसने ये कह दिया तो बस हमने एतबार कर लिया, वो कभी भी ना करें। अपनी एक सोच, अपनी एक राय बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल, रिसर्च करें, हैक्टिक रिसर्च करें, और गलत इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन ना करें, और किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी राय कायम ना करें। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत सी बात। और इसी जबरदस्त बात के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाजत का। इंशाल्लाह कल आपकी हमारी मुलाकात होगी शो # फिल्मी में, और अभी के लिए दिल चाहता है लेकर आ चुके हैं आरजे महवेश खान। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। खुदा।